भारत में 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगने के बाद से आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया भारत को बल मिलने लगा है, क्योंकि अब स्वदेश में इन ऐप्स का विकल्प बनाने की कोशिश की जा रही है। टिकटॉक जैसे ऐप जिसके भारत में ही करीब 12 करोड़ यूजर्स थे, उसके बैन होने से भारतीय यूजर्स को झटका लगता, उससे पहले ही उसका विकल्प चिंगारी के रूप में मार्केट में ला दिया गया। उसके बाद अब रोपोसो की भी पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ रही है। जी हाँ, टिकटॉक बैन होने के बाद बुधवार दोपहर तक रोपोसो को 48 लाख से भी ज्यादा बार डाउनलोड कर लिया गया। ऐप के डेवलपर्स ने एक दिन में 1 करोड़ यूजर्स तक पहुंचने की उम्मीद जताई है। गूगल प्ले स्टोर के मुताबिक रोपोसो को 5 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। एडटेक यूनिकॉर्न इनमोबी के फाउंडर नवीन तिवारी के मुताबिक वीडियो शेयरिंग ऐप रोपोसो को पिछले कुछ हफ्तों में 10 गुना से ज्यादा बढ़त मिली है। वजह है भारतीयों द्वारा चीनी ऐप्स को अनइंस्टॉल किया जाना। भारतीयों ने चीन के विरोध में टिकटॉक, शेयरइट, कैम स्कैनर, यूसी ब्राउजर, वीचैट, हेलो समेत कई ऐप्स को तेजी से अनइंस्टॉल किया था। नवीन तिवारी आगे कहते हैं कि भारत में एक एंटरप्रेन्योर होने के चलते ये डिजिटली आत्मनिर्भर होने का समय है। यह ऐतिहासिक है क्योंकि डिजिटल कंपनियों की कोई सीमा नहीं होती, और भारत की डिजिटली सेवी जनसंख्या देखें तो ये बहुत जरूरी है कि भारत के पास अपने डेटा के कंट्रोल हो और इसकी सिक्योरिटी की देखभाल हो। उसके बाद नवीन तिवारी पीएम नरेंद्र मोदी के फैसले की तारीफ करते हुए कहते हैं कि एप्स बैन करने का फैसला बेहद शानदार है। आपको बता दें, इनमोबी के दो एप्स मार्केट में है, एक तो रोपोसो है ही और दूसरा ग्लांस है।